ये भी आ गए। वो छोड़ के इधर आएगा। ये है असली तबला वाला, असली छोड़ के असली कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। मम्मी तो बोलती रही है। हमारे गायों को भी खांसी हो रही है और जुकाम। और जुकाम हो रही है। अच्छी गरम सीर। गरम सीर भी हो रहा है इसका। सीर नहीं बोलते, सिर। सिर। और मम्मी के बुखार। और मम्मी के बुखार हो रहा है। कल रात को बहुत तेज बुखार आया मुझे। कल मॉर्निंग से मुझे बहुत तेज बुखार आया था, तो फिर इवनिंग में शाम को दिखा के आई थी डॉक्टर को। तो अभी तो नॉर्मल दवाई दी है उन्होंने, जांच वगैरह के लिए नहीं बोला है। और रात को हल्का फुल्का बुखार था, अब तो ठीक है। तो यही है अभी तो मॉर्निंग की शुरुआत। उठे हैं, दवाई खाई है और करेंगे काम थोड़ा बहुत। बहुत ही तेज फीवर हो गया था, दर्द हो रहे हैं हाथ पैर, पर काम करेंगे थोड़ा बहुत। और आज हो गई ग्रीवा की साइकिल रिपेयरिंग। रिपेयरिंग तो नहीं बोल सकते, आज ग्रीवा की साइकिल के दोनों व्हील हटाए जा रहे हैं। अब वो चलाने में एक्सपर्ट हो गई है, तो अब बोल रही थी पापा ये दोनों पहिए हटा दो। और ये छुटकू महाराज घूम रहा है इधर से उधर। ग्रीवा संभाल लोगे ना साइकिल? अच्छा, एक व्हील खुल चुकी है और वो भी मिस्त्री बना हुआ, एकदम हेल्प करा रहा है पापा की। दीदी पे साइकिल गिराते हैं क्या? अब ग्रीवा चलाएगी बिना व्हील के साइकिल। आज ग्रीवा पहली बार बिना व्हील के साइकिल चलाते हुए, देखते हैं सक्सेस होती है कि नहीं। बाबू आह, मेरा पैर तोड़ दिया इस लड़के ने तो। ऐसे कौन चलाता है साइकिल? पैडल पे रखो पैर, नहीं गिरेगी। एक दो पैडल मारोगे तो फिर चलने लग जाएगी। ऊंचा करो पैडल को उस पैर से। हाँ, राइट वाले पैर से मारो। देखो पैडल पे पैर रखो दोनों। चलो देखो, आप तो डरो नहीं। और सीधा रखो हैंडल बिल्कुल। ऐसे देखो नहीं, पीछे नहीं देखो, सीधे रखो आप तो नजर। सिखाना पड़ेगा इसको एक दो दिन ना। चक्कर आ गए। बैठ दो। आप कोशिश करो ऐसे नहीं, पैडल रखो पैर, पैर रखो पैडल पे। हाँ रखो, वेरी गुड। हाँ चलो, ये पैर यार, एक पैर पैडल पे रखो।
अब चलाओ। आज नंबर आया है पंखे साफ करने का, तो ग्रीवा भी पंखे साफ करिए पापा के साथ। पहले भी करा थे। अच्छा पहले भी किया था, हॉल वाला भी करा था हमने। अच्छा हॉल वाला भी, ये देखो बिल्कुल क्लीन करते हुए। ग्रीवा अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है, पापा की हेल्प कराती है बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही टंकी साफ करी थी, पानी आप देख सकते हैं एकदम चमाचम चमक रहा है। छोटी टंकी में पानी है, बड़ी टंकी को भी देख लेते हैं इसमें कितना पानी है। बड़ी टंकी में कम पानी है, इसको थोड़ा भरने देंगे। और ये देखिए गाय भैंस वगैरह सब सो गए, रात को सबको नींद आती है। खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन में भी मांझ लिया है, पानी नहीं था टंकी में तो पानी भरने आई थी। और आज तो जल्दी फ्री हो गए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि फ़ोन आ गया था, तो दो ही पेशेंट थे तो फटाफट गए और मम्मी की थेरेपी करवाई। 5 से 7 मिनट की थेरेपी थी तो फटाफट जल्दी से फ्री हो गए। यहाँ पर आए तो गाय भी सो चुकी थी, उसका छोटा बाबू भी सो चुका था। और आज तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू छांछ की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और मेरा फीवर तो अब तो ठीक है, और हल्का सा दिन में हो गया था बुखार, तो मैं सोच रही हूँ अभी आज की दवाई है ले लेती हूँ, नहीं तो फिर कल जाँच करवा लूँगी, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। तो वैसे तो सिम्टम्स नहीं लग रहे डेंगू के, फिर भी मैं एक बार देखती हूँ, यदि कल तक फीवर आता है तो फिर जांच तो करवानी पड़ेगी। और आज तो सारे फ़ैन साफ किए थे, एक एक फ़ैन की पंखड़ियाँ खोल करके चमका दी है। बस 15 दिन में तो क्या गंदे होंगे, यदि होंगे तो फिर कपड़े से साफ़ कर देंगे। और तो बस यही अपडेट है आज की, करती हूँ यही ब्लॉग का एंड। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए दिन से धन्यवाद। गुड नाइट।